समस्या तो बहुत है, हम लोगों की उम्मीद भी बहुत बड़ी है अभी, क्योंकि अभी हमारी सरकार है, हमारे संगठन के लोग हैं सबसे ज्यादा, तो संगठनिक चर्चा भी हुई जिला नगर का। अब कोरोना काल में जो है कि हम लोगों के बीच में जनता और नेताओं के बीच में काफी दूरियां हो गई थी, जिसके चलते समस्या और भी बढ़ गई, तो इस समस्या का समाधान के लिए हम आपके सहयोग। अब तक यदि बात करें तो जितने लोगों से मिले हैं, इस तरह की समस्या अभी तक देखने को मिली है? संगठनिक समस्या भी थी और सरकार बनी है तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत सारी है, सरकार में कई तरह के काम नहीं हो रहे हैं, तो वो सब समस्या को भी हम सुन रहे हैं और लगभग सुने और कोई समस्या का निदान भी हो। क्या लग रहा है मैडम, कैसे निदान, इनकी जो आकांक्षाएं हैं पार्टी को लेके भी या संगठन को लेके? देखिए आकांक्षाएं तो रहती ही है और कई लोगों का कहना है कि अफसर बात नहीं सुनते हैं, थाना में हो चाहे ब्लॉक में हो, तो इस तरह के समस्या आए और हम देख रहे हैं अपने स्तर से और लोगों का जो समस्या है मैन की माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं, ये भी बात सामने आई है। हमने लोगों को समझाया कि अब पूरा राज्य का मैटर है, मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके पास अब समय भी काफी कम है, इस वजह से जो संगठन की जो भी मुद्दा है वो हम देख रहे हैं। तो इन सब को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे क्या? जी बिल्कुल, कार्यकारिणी अध्यक्ष है, जो अगर ऐसा मैटर हुआ तो उनसे चर्चा की जाएगी और समाधान किया जाएगा। एक और जैसे देखिए दिशा निर्देश तो हम दिए अपने स्तर से कि नाराज होने की बात नहीं है, सभी समस्या का समाधान होगा। तो 3 साल से वो गठन नहीं हुआ जो नई कार्यकारिणी का मंडल स्तर पर जिला स्तर पर, देखिये अब हम लोग विचार करेंगे उस पर भी, विचार करके सब गठन कर लिया जाए। अब मैडम ये माना जाए कि संगठन को आपके द्वारा नया नेतृत्व मिलेगा जिस तरह से? जी बिल्कुल, हम लोग तो संगठन को धारदार बनाने के लिए आज हम ऑफिस में बैठे हैं कि कोई नाराज ना रहे, इसको हम अपने सामने अपने कार्यकर्ताओं के सामने बैठ करके देख रहे हैं। ऐसा माना जाए कि आपके नेतृत्व में ही पार्टी नया रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेगी? देखिए बहुत कोई है, हमें अकेला नहीं है, अभी जैसे बसंत जी भी नए नए चुनाव जीत करके आए हैं, लोग सब मिलकर के संगठन को देख रहे हैं। ठीक है मैडम, एक और इस तरह की दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आप सक्रिय सदस्य भी हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। वो तो हम कह रहे हैं कि कोरोना काल जब तक हुआ है हम तब तक हम लोग के बीच में जो जनता पब्लिक और नेताओं के बीच में कई दूरियां तो बढ़ ही गई थी, अब धीरे धीरे करके सब सॉल्व हो ही रहा है, अब हम सुन ही रहे। मुख्य कारण कोरोना ही था कि और कुछ पार्टी का अंतर मामला भी था या कोई कला था इस तरह की? मुख्य कारण कोरोना? कोई कला नहीं है पार्टी में, कोई इसमें हम क्या बोलेंगे, अभी तो आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के तो आरोप ही सामने आ जाते हैं, अब इस पर तो हम नहीं कह सकेंगे कि आरोप कितना सही है क्या गलत है। मैडम एक सवाल है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी बात आगे भी चलेगा इस तरह की, आज जिस तरह आप लोगों की समस्या जान रहे हैं ये चलेगा आगे भी, हम बैठेंगे और सुनेंगे। मैडम आज क्या दिशा निर्देश दिया गया?